तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं ग्लाइकोसाइट। तो ग्लाइकोसाइट में सेम हेडिंग जो पिछली बार हमने एल्कोलाइड बताया था, उसी ही प्रकार से ही आपको हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझाने वाले हैं ग्लाइकोसाइट। तो ग्लाइकोसाइट हेडिंग हो गया, तो इसमें तीन हेडिंग पढ़ेंगे। नंबर एक एक्योरेंस, नंबर दो डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर तीन एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। तो फ्रेंड्स, ग्लाइकोसाइट को किस प्रकार पढ़ेंगे ये हम बताने वाले हैं। तो एक बार हम बता दें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं मिल पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता दें, फार्मेसी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन और अगली वीडियो आपको तुरंत मिल पाए। तो ग्लाइकोसाइट में हम एक्योरेंस हेडिंग डाल के सबसे पहले उसमें लिखते हैं, ग्लाइकोसाइट आर फाउंड इन डिफरेंट फैमिली, यानी अलग अलग तरीके की फैमिलियों में ये ग्लाइकोसाइट पाए जाते हैं। तो जैसे सोलेनेसी, स्क्रोफुलेरिएसी, लेलिएसी, रूबिएसी, इट्स एट्सेट्रा, यानी इस इन फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्लाइकोसाइट पाया जाता है। और भी हो सकते हैं, जैसे हमने ये तीन चार लिख रखे हैं। तो दूसरा हेडिंग होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ग्लाइकोसाइड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, दे अकर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीफ, बार्क, फ्रूट एंड सीड, यानी इन इन पार्टों में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, यानी पाया जाता है। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन का पार्ट हम लिखेंगे। तो एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन का पार्ट इस प्रकार हम लिखेंगे कि फ्लो चार्ट के द्वारा लिखेंगे, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पूरे नंबर मिल सकें एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें पहली लाइन लिखेंगे, पाउडर ड्रग जो हमें ग्लाइकोसाइट में मिलेगी तो उसमें पाउडर ड्रग होगी। तो उसका करते हैं, पाउडर ड्रग इज़ ट्रीटेड विद, यानी उसे ट्रीट करेंगे सफिशेंट वाटर एंड बॉयल फॉर 15 से 20 मिनट देर कूल, यानी बॉयल करेंगे 15 से 20 मिनट, फिर उसके बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा फिर उसे ट्रीटेड विद लेड एसीटेट सॉल्यूशन एंड फिल्टर, यानी लेड एसीटेट सॉल्यूशन से उसे ट्रीट करेंगे और उसे फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद दी फिल्टर दैट ट्रीटेड विद लेड एसीटेट एंड अमोनिया NH3, अमोनिया के साथ उसे फ़िल्टर, लेड एसीटेट एंड अमोनिया फ़िल्टर कर लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे सफिशियंट H2SO4 इज़ द ऐड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और रिमूव कर देंगे, रिमूव एग्जिट और फूड ऑफ लेड एंड फिल्टर्स कर देंगे। अगला स्टेप लिखेंगे इसमें, द सल्यूशन इज़ डाइल्यूट इज़ 25 ml, यानी 250 ml विद 40% एथेनॉल ऐड कर देंगे इसमें। तो एथेनॉल ऐड करने के बाद फिर उसके बाद सफिशियंट H2SO4, सफिशियंट हाइड्रोजन सल्फेट, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी H2SO4 इज़ एड एंड रिमूव एग्जिट ऑफ लेड एंड फिल्टर्स। तो ये तो हम शायद पढ़ चुके हैं, ये फिर से बता दिया हमने। तो इसी प्रकार आप लिखेंगे। तो नेक्स्ट होगा इसका, एथेनॉल ऐड कर देते हैं, 40% एथेनॉल से इसे डाइल्यूट करते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं, इट इज़ ट्रीटेड विद बेरियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन अंटिल पार्टिसिपेट इज कंप्लीटेड एंड फिल्टर्स। फिर अगला स्टेप लिखते हैं, फॉर रिपीटेड प्रिसिपिटेटेड एंड 70% अल्कोहल द येलो सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड एंड एब्जॉर्बेड टू कंसंट्रेट फिल्टर्ड एड 30 ml, 300 ml ऑफ एल्कोहल एंड स्टैंड फॉर सॉर्बिटॉल डे सेवरल डेज।
फिर उसके आगे लिखते हैं द क्रूड एक्सट्रैक्ट ग्लाइकोसाइड आर ऑप्टेन, तो उसका ग्लाइकोसाइड का क्रूड एक्सट्रैक्ट आपको ऑप्टेन हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे दे आर सेपरेटेड वाई फ्रैक्शनल एंड क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द्वारा उसे सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट होगा इसका स्टेप दे आर प्यूरिफाइड बाई एक्सपेक्ट्रोस्कोपी से इसे प्यूरिफाइड करते हैं। तो ये हो गया ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रैक्शन एंड आइसोल्यूशन प्रोसेस, किस प्रकार लिखते हैं ये हमने नोट्स आपको बता दिए हैं, तो पूरी तरीके से आप नोट्स इसके बना लें।